दबंग लोगों ने कमजोर लोगों के घरों के सामने का रास्ता कई दिनों से बंद कर रखा है। जब उनसे कहते हैं कि हमें रास्ते से निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो दबंग लोग उनके साथ मारपीट करते हैं। दबंग लोग उन कमजोर बेबस लोगों के साथ गाली गलौज करते हैं, जिसके बाद कमजोर लोगों ने चक्र फाउंडेशन से मदद मांगी। न्याय चक्र फाउंडेशन के प्रदेश मीडिया प्रभा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु मिश्रा, सुमन लता, अलीगढ़ जिला महासचिव ललित उपाध्याय, अलीगढ़ वरिष्ठ मीडिया प्रभा जितेंद्र गोड़ ने पदाधिकारी कथन तो। और उन्होंने पक्के मकान बना के हम रह रहे हैं, ठीक है। और आज उनमें जाने आने के लिए रास्ता बिल्कुल बंद है। 100 साल पुरानी चली हुई थी रास्ता, वो बंद कर दी है। और धींगरा न कुछ कहने दे रहे, न बोलन दे रहे और न लिखन दे रहे। आधे पशु हमारे बाहर हैं और आधे अंदर हैं। तो जी गांव के ही लोग हैं? गांव के लोग हैं जी, दबंग गांव के लोगों ने बंद कर दिया जी, जी, जी। अच्छा, दबंग तो लोगों ने बंद किया है। और इसके अलावा ये कई दिनों से इनका शोषण हो रहा है, रास्ता बंद करके बड़े परेशान हैं। पशु बीमार हैं, बच्चे भी इस कंडीशन पे हैं कि रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भाई कोई तो हमारी मदद करे जी, जी। अब दलित और कमजोर होना का इतना बड़ा गुनाह तो है नहीं कि इनको घर में बंद रहना पड़ेगा। इसके लिए हमारी न्याय चक्र फाउंडेशन की जो टीम है, हाथस अलीगढ़ की जो टीम है, वो डीएम साहब से भी मिली है और हमको आश्वासन दिया है डीएम साहब ने कि इनके साथ में न्याय होगा। और हम भी आपको बता रहे हैं कि न्याय चक्र फाउंडेशन के जो जितने भी पदाधिकारी हैं, जब तक चुपचाप नहीं बैठेंगे, जब तक इनके साथ में न्याय नहीं हो जाएगा। हमारा एक ही स्वार्थ है कि जनहित के कार्यों को प्रशासन और कानून व्यवस्था के साथ में कराना, और हमारा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। और इसी के साथ में हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं, चाहे अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष हों, चाहे हमारी हाथरस की जिला प्रभारी सुमनलता जी हों, या मैं हूँ, या छोटा बड़ा कोई सदस्य पदाधिकारी, सब के सब निस्वार्थ भावना से जनहित के कार्यों में लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। तो डीएम साहब से क्या आश्वासन मिला, उन्होंने क्या कहा? नहीं, डीएम तुम्हारी कार्रवाई होगी। अच्छा, आश्वासन दिया है कि आप इनको न्याय मिलेगा और जो दबंगों ने रास्ता बंद किया है उस रास्ते को खुलवाया जाएगा। चलिए ठीक है।